देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा को मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बताया गया है। श्रीमद् भागवत कथा के वाचन एवं श्रवण का बड़ा महत्व है। अधिक से अधिक भक्तों को इसका पुण्य लाभ मिले, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विराट जन सेवा समिति के तत्वाधान में सिंगापुर टाउनशिप में आगामी 11 दिसंबर से विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज एक प्रेस वार्ता में कथा आयोजक विराट जन सेवा समिति के पदाधिकारी ने बताया कि 11 दिसंबर रविवार को प्रातः 10 बजे विशाल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आयोजकों ने बताया कि कथा में प्रतिदिन लकी ड्रॉ भी होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के इनाम दिए जाएंगे। साथ ही प्रतिदिन उपस्थित भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। वीके रघुवंशी ने बताया कि कथा स्थल पर आमजनों के लिए मेले एवं रामलीला का आयोजन भी किया जाएगा। कथा में प्रतिदिन गणमान्य अतिथिगण व्यासपीठ का पूजन करेंगे। आज प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से पप्पू शर्मा, राजेश पांडे, वीके रघुवंशी, गुड्डू जायसवाल एवं पंडित संदीप शर्मा उपस्थित थे। इस बार किस प्रकार की कथा रहेगी, पूरा 7 दिन किस प्रकार के आयोजन रहेंगे, शोभा यात्रा निकलने का क्या समय रहेगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? ये शोभा यात्रा अपन सुबह 10 बजे निकालेंगे। ये सिंगापुर टाउनशिप पंचवटी के पास में है, वहाँ पर निकाली जा रही है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ का जो आसपास का बेल्ट है वो थोड़ा गरीब तबके का है, तो उन लोगों के धर्म की गंगा जो बह रहना चाहिए उस प्रकार का सब लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन होगा माँ आदरणीय महाराज जी के माध्यम से। और महाराज जी जो है निर्मोही यानी अखाड़ा जो अयोध्या का है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके माध्यम से अच्छी एक लोगों को वहाँ पे जागरूकता आएगी। क्या पहला वर्ष है उनका कथा का, किसके पहले? नहीं, यहाँ पर अपन विगत 13 वर्षों से महाराज जी के निर्देश पे ही कथा करा रहे थे। अब माननीय मंत्री जी के निर्देश पर ये कथा सावेर में कराई जा रही है, जिससे कि वहाँ पे बहुत इसकी जरूरत थी। ये स्टार्ट हो रही है अपनी 11 तारीख से स्टार्ट होकर के 17 दिसंबर तक ये चलेगी। कथा का टाइम जो रहेगा 1 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। पूज्य गुरुदेव मदन मोहन दास जी महाराज के मुखारविंद से होने वाली इस कथा में रोज अलग अलग उत्सव यहाँ पर मनाए जाएंगे। प्रभु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से लेके उनके विवाह, फूलों की होली और जो जो उनके जीवन के घटनाएं हैं, जैसे भगवान ने जो जो वेश धारण किए हैं, वो छोटे छोटे प्रसंगों के सारे उत्सव हम यहाँ पर 7 दिन मनाएंगे। साथ ही क्या व्यवस्था रहेगी वहाँ आयोजकों द्वारा, किस प्रकार का आयोजक समिति और माननीय मंत्री जी की तरफ से जो व्यवस्था है वहाँ पर रहेगी? पूरा 7 दिवसीय मेला वहाँ पर लगेगा। बहुत सारे व्यापारियों ने वहाँ पर दुकानें भी लोगों के सहूलियत के हिसाब से लगाई है और चौपाटी वगैरह एंटरटेनमेंट की भी पूरी व्यवस्था, कथा के बाद जो शाम का समय रहेगा उसके लिए व्यवस्था भी बहुत सारी है और प्रतिदिन 15 से 20 हज़ार लोगों के भोजन की व्यवस्था, ताकि जो माता बहनें कथा सुनने आए वो भोजन प्रसाद करके ही घर जाएँ। मैडम, सबसे पहले तो मैं विराट जन समिति का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम इतनी अच्छी कथा करने जा रहे हैं और ये कथा 13-14 साल से रेगुलर हो रही है और अब माननीय मंत्री जी के और विराट जन समिति के आज्ञा से ये कथा हमारे विधानसभा क्षेत्र सावेर में होने जा रही है, सिंगापुर सिटी में। और इसमें लगभग 11,000 महिलाएँ कलश लेके यात्रा में साथ में चलेगी और इसमें घोड़े, बग्घी, अखाड़े सभी रहेंगे और ये कथा का वाचन जो करेंगे वो राष्ट्र अध्यक्ष हमारे निर्मोही अखाड़े के मदन मोहन दास जी करेंगे और इसमें प्रतिदिन भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों का आकर्षण झूले, चक्री भी लगाए गए वहाँ और रोज तरह तरह के जो भी आयोजन रहेंगे उत्साह रहेंगे वो डेली होगा। अभी आपने करा है, क्या है लकी ड्रॉ में, क्योंकि कथा के अंदर ऐसा लकी ड्रॉ का आयोजन पहली बार देखा जा रहा है? हाँ, वो रखा है ताकि इसमें सब प्रकार की लकी ड्रॉ इसलिए रखा है कि उत्साह बने रहे, सब आएंगे, उसमें नंबरिंग रहेगा, उसमें नंबर रहेंगे सबके, अपनी अपनी स्लिप रहेगी, उस वो सबके सामने ही खोला जाएगा कथा स्थल पे महाराज जी के थ्रू, जिसका भी नाम आएगा, टीवी, फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन रोज और जिसका भी नंबर रहेगा उसको वहाँ दे दिया जाएगा जो कथा में सम्मिलित हो। हाँ उन्हीं को दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी समिति से जुड़े हो, ज्यादा प्रतिदिन वहाँ मुख्य अतिथि हर दिन मंत्री रहेंगे, जैसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष आ रहे हैं कलश यात्रा में, गिरीश गौतम जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश के जो स्पीकर हैं वो आ रहे हैं कथा स्थल को हरी झंडी। कितने वर्षों से विराट जन सेवा समिति? 13 सालों से।